अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि किडनी से जुड़ी बीमारियां हमारी ओवरऑल हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, और यही मेन वजह है कि जिन लोगों को किडनी से जुड़ी बीमारियां होती हैं उन्हें अपने खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। वहीं लोगों की तरफ से भी किडनी मरीजों को अलग अलग चीज़ों को खाने और नहीं खाने की सलाह दी जाती है, जिस वजह से अक्सर पेशेंट के मन में ये सवाल आता है कि आखिर वो कौन सी चीज़ों को खाने में शामिल करें और कौन सी चीज़ों से परहेज करें। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हमारे आज के वीडियो में हम आपको किडनी पेशेंट को अपने खाने में क्या क्या परहेज करना चाहिए इस बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आप किडनी से जुड़ी किसी भी बीमारी से परेशान हैं और अपनी किडनी को हेल्दी रखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपको अपनी डाइट में कुछ खास चीज़ों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि किडनी हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार आपको बता दें कि किडनी से जुड़ी समस्या होने के बाद सबसे ज़्यादा दवा के साथ साथ सही डाइट रखना ज़रूरी है। इसलिए किडनी पेशेंट्स को प्रोसेस मीट, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और ज़्यादा सोडियम वाले खाने को अपनी डाइट में नहीं शामिल करना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस मीट के टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा नमक और प्रिजर्वेटिव का यूज़ किया जाता है। इसलिए आपको भले ही प्रोसेस मीट की कितनी भी ज़्यादा तलब क्यों ना लगे लेकिन इसे खाने से परहेज करें, क्योंकि प्रोसेस मीट खाने से आपकी किडनी पर जोर पड़ता है जिससे किडनी की कंडीशन पहले से और भी ज़्यादा खराब हो सकती है। इसके अलावा फास्ट फूड, अचार और पैकेट वाले खाने में बहुत ज़्यादा नमक होने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है जिसका सीधा असर आपकी किडनी पर पड़ेगा, इसलिए आपको इनके सेवन को भी एक लिमिटेड अमाउंट में करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं या अपनी किडनी को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको दाल, बीन्स जैसे हाई प्रोटीन वाले भोजन के अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स, साबुत अनाज और कार्बोनेटेड ड्रिंक जैसी चीज़ों को भी खाने से बचना चाहिए या फिर इनको कम मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि इसमें फॉस्फेट और फॉस्फोरस होता है जो कि पथरी की वजह बन सकते हैं। वीडियो में बताई गई बातें, इलाज के तरीके, खुराक की सलाह विशेषज्ञों के अनुभव के आधार पर केवल सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी सलाह को अमल में लाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें, क्योंकि कर्मा आयुर्वेदा आपको अपने आप से नुस्खों या दवाइयों का सेवन करने की सलाह बिल्कुल नहीं देता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हेल्दी रहें। नमस्कार।